टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस वक्त मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, किसान आंदोलन किस तरह से आंदोलन कर रहे हैं वो आपको तस्वीरें दिखाना ज़रूरी है। आप तस्वीरें देखें कि मेरे इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये जो है सिंघू बॉर्डर है, आगे यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर आगे सिंघू बॉर्डर है, जहाँ पर पुलिस जो है पुलिस बल तैनात है, भारी तादाद में पुलिस तैनात है और वहाँ पे ब्रिकेटिंग लगाई गई है। और यहाँ से और ये मेरे दूसरी तरफ आप अगर देखेंगे तो इस तरफ यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर ठीक इसी तरह से जिस तरह से ट्रक और ये मंडप तार पत्री के जो बांधे गए हैं ठीक इसी तरह से पूरा बंधा हुआ है। लोग जो किसान हैं वो जो है 20 से 25 किलोमीटर के दायरे में किसान जो है आंदोलनकारी जो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं वो पूरा यहाँ पर है। किसान आंदोलन में लगभग 2 से 2.5 लाख लोग बताए जा रहे हैं कि 2 से 2.5 लाख किसान इस आंदोलन में शामिल हैं और उसमें कई जगहों के हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा और जो है राजस्थान के सभी लोग इसमें मिक्स हैं, यानी किसान आंदोलन में मिक्स हैं। दरअसल इस आंदोलन में एक ख़ास बात, एक दिलचस्प बात ये भी है कि यहाँ पर जो भी लोग दूर दराज से आ रहे हैं, जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर वॉलंटियर एक अच्छा भूमिका निभा रहे हैं, उन्हें एक सहारा दे रहे हैं। खास करके यहाँ पर लंगर का जो है, जो हम बात करें लंगर का, तो यहाँ पर जगह जगह पर मंडप बंधे हुए हैं, जगह जगह पर लंगर दिया जा रहा है। लोग जो किसान मजदूर हैं, जो किसान हैं आंदोलनकारी हैं, वो लंगर को लूट रहे हैं और यहीं पर अपना बसेरा अपना डेरा डाले हुए हैं। और उनका कहना ये है कि जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरी नहीं करती है तब तक यहाँ से हम नहीं हिलेंगे, अपनी बातों को अपनी मांगों को मनवा के ही रहेंगे सरकार से। और दूसरी बात, यहाँ पर जो है जिस तरह से परेशानियाँ आ रही हैं, क्योंकि ये ठंड का मौसम है, सर्द का मौसम है, लोग जो बूढ़े बुजुर्ग जो हैं उनके जो है घुटनों में पैरों में दर्द, तरह तरह के दिक्कतें जो भी है, बीमारियाँ जो भी होती हैं, यहाँ पर मेडिकल कैंप कई ऐसे जगहों पर लगाए गए हैं, मेडिकल कैंप जो है, और भी बहुत सारी सुविधा यहाँ पर दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो सामने जो पेट्रोल पंप है, भारत पेट्रोल पंप, वो पेट्रोल फिलहाल पेट्रोल पंप बंद है, लेकिन वहाँ पर इस वक्त जो है टेंट सिटी बना दिया गया है। जो दूर दराज से लोग आ रहे हैं वो उनके लिए टेंट सिटी बनाया है ताकि वो यहाँ पर रह सकें, प्रदर्शन कर सकें। और इसी के साथ लगातार किसानों से बात कर रहा हूँ, किसानों की सिर्फ एक ही मांग है, जो मोदी सरकार किसी कानून जो लाया है उसे वापस ले और उसके बाद हम सीधे अपने घर चले जाएंगे। बहरहाल ये तो उनकी मांग है, और ये भी कह रहे हैं कि जो हम खाना नहीं खाना चाहते हैं वो खाना हमें क्यों खिला रही है सरकार। जिस तरह से इनकी मांगे हैं, ये अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और सरकार ये बार बार कह रही है कि हम उस पर कुछ विचार करेंगे, अगर किसान भाई बात करने को तैयार हैं तो हम भी बात करने को तैयार हैं, जिस तरह से मोदी सरकार कह रहे थे। हालांकि इसके पहले मैं ये भी बता दूं कि जैसे जैसे ये दिन बीतते जा रहा है, आज 24वां दिन है किसान आंदोलन का, वैसे वैसे ये दायरा जो है, ये जो दायरा सामने आप देख रहे हैं, ये पूरा दायरा बढ़ते जा रहा है। ठीक इसी तरह से दायरा 25 किलोमीटर के अंदर दायरा बन चुका है। लोग जो है काफ़ी क्रोधित हैं, काफ़ी क्रोध जता रहे हैं कृषि कानून को लेकर, उनकी मांगों को लेकर जो है। और ख़ास करके यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जगह जगह पे ऐसा मंडप बनाया हुआ है, खाना भी बनाया जाता है यहाँ पे। ये जो है लोग हैं अपनी गाड़ियाँ खड़ी करके, अपने जो ट्रक हैं, टेम्पू है, जो भी है ट्रक टेम्पू जो भी उनका है, ट्रैक्टर है, वो सब खड़ी करके वहाँ से दूर से पैदल आ रहे हैं। देखिए इस तरफ से भी पैदल आ रहे हैं, उस तरफ से भी पैदल जा रहे हैं। बहरहाल जो है इन्होंने ठान लिया है कि जब तक ये काला कानून वापस नहीं जाएगा, मोदी सरकार नहीं वापस लेंगे, तब तक जो है हम लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। मेरा कहने का मतलब ये था कि मैं आज जो आपको दिखा रहा हूँ कि ये नज़ारा यहाँ का सिंघू बॉर्डर का, किस तरह से लोग यहाँ पर अड़े हुए हैं, 4 डिग्री से 5 डिग्री जो है ठंड पड़ रही है यहाँ पर, और उस ठंड में तैनात है, उस ठंड में जो है बूढ़े बुजुर्ग हर कोई यहाँ पर तैनात है किसान आंदोलन में जो है अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार से। एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इस आंदोलन में जो कुछ जो भी किसान
आ रहे हैं उनके लिए यहाँ रहने खाने का तो जगह है ही, उसके बावजूद जो है जो कपड़े जो धुलाई है उनकी यहाँ पर मुफ्त में की जा रही है, क्योंकि जो है यहाँ पर वॉशिंग मशीन लगाई गई है, उन्हें मुफ्त में कपड़े धुलाई करके दिया जा रहा है। और ख़ास करके ये भी यहाँ पर जो है जो लोग बाल कटवाना चाह रहे हैं, दाढ़ी बनवाना चाह रहे हैं, वो सारे चीज़ यहाँ पर जो है मुफ्त में मुफ्त सेवा दिया जा रहा है। और इसी के साथ मैं आपको और भी कुछ दिखाऊंगा, जो कुछ भी मुझे दिखेगा मैं आपको दिखाऊंगा और आप तक पहुंचाऊंगा। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।